मैं आ गई हूँ केपी साहब, मगर ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी मर्जी से आई हूँ। मुझे यहाँ मेरी मजबूरी लाई है। पति पत्नी के लिए भगवान होता है, और मैं अपने पति के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। बोलो, उन्हें छोड़ने का क्या लोगे? बोलो, जवाब दो। तुम्हारा ईमान धर्म तो बिजनेस है ना? बोलो, क्या उतारू? कंगन, ये मंगलसूत्र, या फिर ये? तुम क्या समझती हो, मुझे तुम्हारे जिस्म की जरूरत है? तुम्हारे शरीर की भूख है मुझे? मैंने कभी तुम्हारे जिस्म से नहीं, तुम्हारी आत्मा से प्यार किया। लेकिन तुमने मेरी कद्र नहीं की, मेरा इंतजार नहीं किया। मुझे किसी गुजरे हुए वक्त की तरह भुलाकर किसी और का हाथ थाम लिया। प्यार हम दोनों ने किया, मगर तड़पना सिर्फ मेरे नसीब में आया। मेरा तुम्हारा नाता तो उसी दिन टूट गया जिस दिन तुम्हारी शादी हुई। मैं उस दिन तुम्हारे घर अपनी मोहब्बत का इजहार करने नहीं गया था, अपने दर्द अपनी तड़प का हिसाब मांगने के लिए नहीं गया था, बल्कि उस रात पार्टी में हुई इस गलती की माफी मांगने के लिए गया था जो तुम्हारे जुदाई तुम्हारे शोक में चोट खाए मेरे दिल के हाथों हो गई। लेकिन तुमने मेरे जज्बात को नहीं समझा, मुझे कोई गिरा हुआ या घटिया आदमी समझकर धिक्कार दिया। मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया वो बदला लेने के लिए नहीं किया, बल्कि तुम्हें इस बात का एहसास दिलाने के लिए किया कि तुम जो सोच रहे हो वैसा नहीं है। मेरे मन में कोई खोट कोई पाप नहीं है। मोहब्बत का दर्द बड़ा जानलेवा होता है पूजा जी। मैंने तो तुम्हें माफ किया, मगर दोबारा कभी इंसान का जन्म मिले तो मोहब्बत जरा सोच समझ कर कीजिएगा। और घी, प्योर फ्लावर्स, प्योर मैन। दीपक बाबू, जेल की रिहाई बहुत बहुत मुबारक हो। मुंह मीठा कीजिए। मुझे मालूम था कि आप ज्यादा दिन जेल में रहने वाले नहीं हैं, क्योंकि जिसकी धर्म पत्नी इतनी खूबसूरत हो, जवान हो, उसके लिए क्या जेल, क्या पुलिस, क्या कानून। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि आपकी धर्म पत्नी पूजा देवी ने अपना सब कुछ अर्पण सर्पण करके आकर आपको जेल से रिहा करवाई लिया। हराम साधे! अरे मेरी गर्दन क्यों पकड़ रहे हो? पकड़नी है तो केपी साहब की पकड़ो, जिनके बेडरूम के अंदर आज तक आपकी धर्म पत्नी पूजा देवी की तस्वीर है और वो हर रोज उसकी पूजा करते हैं, आरती उतारते हैं। जाओ बालक जाओ। रामा रामा। Thank you.
बेटे राज को आंच नहीं, तेरी सच्चाई आखिर अपना रंग दे ही आज। नहीं बाबूजी, मैं अपनी सच्चाई के बूते रहा नहीं हुआ। मेरी रिहाई कराने के लिए आपकी बहू ने कीमत चुकाई है। तेरी आंखों में आंसू मेरी रिहाई के हैं या केपी से ना मिल पाने के दुख के? दुख के ही होंगे, क्योंकि तू कृष्ण प्रसाद से प्यार करती है। नहीं दीपक, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ है। पहले मैं भी इस बात को झूठ समझता था, लेकिन जब उसके कमरे में मैंने तेरी तस्वीर देखी तो मैं समझ गया कि आखिर इतनी आसानी से मैं कैसे जेल से छूटा। भरी पार्टी में उसका तेरा मुंह चूमना, मेरी गैर हाजिरी में माफी मांगने के बहाने तुमसे मिलने आना, मेरे विरोध करने पर मुझे जेल भिजवाना, ये तुझसे कृष्ण प्रसाद का प्यार नहीं तो और क्या है? मेरे जेल जाने के बाद तू उससे रोज मिलती जुलती रही, और जब उसका दिल भर गया तो मुझे रिहा करवा के तेरी नजरों में देखता बन गया। नहीं दीपक, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा विश्वास करो। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर मेरे जेल जाने के बाद तू उसे मिलने क्यों गई? तुम्हें जेल से छुड़वाने के लिए। मुझे छुड़वाने के लिए बाबूजी भी थे। हाँ, लेकिन की लाख कोशिश करने के बावजूद भी कृष्ण प्रसाद तुम्हें छुड़वाने को तैयार नहीं था। तो फिर तुम्हारे कहने से वो कैसे मान गया? ऐसी कौन सी वजह थी कि तुमसे मिलकर उसने मुझ पर लगाए हुए लाखों रुपए का गबन का इल्जाम वापस ले लिया? इसलिए क्योंकि तुम एक दूसरे से प्यार करते हो। कृष्ण प्रसाद मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता था, लेकिन तुमने तो कुछ बाकी ही नहीं रखा। अगर तुम अपने पति से ज्यादा प्रेमी को ज्यादा अजीज मानती हो तो मैं तुम्हें आजाद करता हूं। जाओ, कृष्ण प्रसाद से शादी कर लो। दीपक, तुम चाहते हो, तुम क्या कह रहे हो? अच्छी तरह जानता हूं। तुम कुछ नहीं जानते। जिस बात को तुमने सर उठाकर कह दिया वो बात मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकती। दीपक, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, मेरा विश्वास करो। तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा विश्वास करो दीपक, मेरा विश्वास करो। अब तुम मुझे समझाने की कोशिश मत कर। दीपक बजाज किसी दूसरे का गरमाया हुआ कंबल नहीं ओढ़ता। औरत तो वो है जो अपने पति के विश्वास को जिंदा रखने के लिए मर जाए। पति की गैर हाजिरी में किसी प्रेमी का कॉल पूरा करने वाली औरत पत्नी नहीं, कुल्टा होती है। और कोई मर्द किसी कुल्टा के मांग में अपने नाम का सिंदूर बर्दाश्त नहीं कर सकता। इससे पहले कि मैं अपने आप में से बाहर हो जाऊं, दूर हो जा मेरी नजरों से, गेट आउट। दीपक, औरत उस वक्त तक सीता सावित्री होती है जब तक उसका पति राम और सत्यवान होता है। जिस दिन ये मर्यादा टूटती है ना, औरत एक ऐसा उलझा हुआ सवाल बन जाती है जिसे कोई मर्द सुलझा नहीं सकता। पूजा, मुझे तुम्हारी गुजरी हुई जिंदगी के बारे में पूछने का हक तो नहीं है, लेकिन इतना मैं जरूर जानना चाहता हूं कि वो क्या वजह थी जो तुमने कृष्णा को भुला दिया? मैंने इसलिए भुला दिया क्योंकि मेरी शादी दीपक से हो गई थी। हाँ, लेकिन तुमने दीपक से शादी की क्यों?
प्यार तो तुम कृष्णा से करती थी। हाँ, लेकिन उस प्यार की वजह से कई जिंदगियां खराब हो रही थी। मान सम्मान समाज सबकी कसूरवार हो गई थी मैं। कृष्णा के इंतजार में मैं इतना जली कि अगर पत्थर भी मेरी जगह होता वो भी राख बन जाता। लेकिन मैं राख नहीं हुई क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि वो एक दिन आएगा। 5 साल हो गए ना वो आया ना उसकी कोई खबर। फिर मेरे माँ बाप मेरी शादी को लेकर परेशान हो गए। एक दिन कृष्णा का खत आ गया जिसमें लिखा था मुझे भुला दो। तब मेरे इंतजार करने का बहाना भी खत्म हो गया। फिर लड़की तो होती ही है त्याग का जहर पीने के लिए। मुझे खुशी खुशी अपने माँ बाप के फैसले का जहर पीना पड़ा। तो क्या तुम्हें कृष्णा का दूसरा खत नहीं मिला? कौन सा दूसरा खत? कृष्णा ने मुझे कितने खत लिखे ये मैं नहीं जानती, लेकिन 5 साल में मुझे सिर्फ एक ही खत मिला, वो भी मेरे डैडी ने मुझे दिया था।